কুলটিতে শিখ সম্প্রদায়ের একদিন ব্যাপী ধার্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও পয়লা বৈশাখ একদিন আগে শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বৈশাখী উৎসব পালন করলেন শিখ সম্প্রদায়ের ভক্তরা। এই উৎসবটি পালন করা হলো পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি থানা ময়দানে একদিন ব্যাপী। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জেলার সাথে সাথে ঝাড়খণ্ড রাজ্য থেকেও বৈশাখী উৎসবের উপলক্ষে আসেন ভক্তরা, যেখানে উপস্থিত ছিলেন কুলটি গুরুদুয়ারা কমিটির সৎপাল সিং, বান্টি সিং, মনোজিৎ সিং, নিশান সিং সহ অনেকে। कार्यक्रम की तैयारी है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा बंद रह सकते उसके साथ आज हम लोग यहाँ पर 323वां खालसा सिर्जना दिवस मना रहे हैं। 1699 ईस्वी में आनंदपुर शहर में हमारे मदरसन पिता ने स्टार्ट किए थे, आज वो उसको देखते हुए 1699 में आज 2023 में 323वां खालसा सिर्जना दिवस स्थान हम लोगों ने मनाया जा रहा है। इलाके की समूह संगत समूह कमेटियों के सहयोग से मनाया जा रहा है। रानीगंज, बरनपुर, चिनाकोड़ी, परवलिया, निरसा, झारखंड से, धनबाद से बहुत सारे हमारे सज्जन मित्र आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बंगला साहब के भागी जत्था सतपाल सिंह जी आए हुए हैं, और उनके साथ में रुद्रपुर उत्तराखंड से रेशम सिंह जी प्रचारक, जो संगत को कीर्तन के राही और प्रचारक के राही सिख धर्म का जो खालसा पंथ का जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी का मैसेज वो आज यहाँ से दिया जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें किस तरह से सिख रहत मर्यादा के बारे बताया और किस तरह से हमें सिख मर्यादा के अंदर रहना चाहिए और किस तरह दुनियावी मनुष्य की मदद करनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम हरदेव सिंह, कुलटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सेक्रेटरी। सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।